पूर्वांचल के बाहुबली नेता व सपा विधायक अभय सिंह पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता खबू तिवारी ने मुख्तार गैंग का अयोध्या कनेक्शन बताया है। भाजपा नेता खबू तिवारी ने अपने और अपने परिवार पर अभय सिंह से जान का खतरा बताया है। खबू तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर SIT से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी है, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, मेरे द्वारा उसकी हत्या की बात करना हास्यपद है। यह सारे हथकंडे अभय सिंह अपने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। खबू तिवारी ने कहा कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे मामले की SIT जांच हो, और SIT जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब सपा की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। उस चुनाव में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी, लोग मारे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में अभय सिंह का क्या रोल था। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हो, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, वो व्यक्ति बहुत ही हास्यप्रद है। वो व्यक्ति हमारे द्वारा हत्या की बात कर रहा है, ये बहुत ही हास्यप्रद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की SIT जांच हो, और SIT जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की उस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो मुख्तार अंसारी की और जो अभय सिंह की बात हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में क्या रोल था। ये देखिए, ये पूरी है जो हत्या के तुरंत बाद दो दो बार के हमारी पार्टी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, जो ये अभय सिंह का और मुख्तार अंसारी का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें अभय सिंह की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई है, उसमें किस गिरोह के द्वारा ये हत्या की गई है, और उस गिरोह से अभय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। तमाम अपराधी पंजाब के, हरियाणा के जो अपराध करते हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें अभय सिंह का क्या लिंक है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं तो ये पहले से भी कहता आ रहा हूं, और खुलेआम ये कह रहा हूं कि हमको और हमारे पूरे परिवार को, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पूरा परिवार हो, उससे, अभय सिंह से और जो मुख्तार अंसारी का गिरोह है, इससे मेरी जान को खतरा है, मेरे और हमारे पूरे परिवार को खतरा है। क्योंकि अभय सिंह गिरोह की ये प्रवृत्ति रही है कि सुरक्षा पाने के लिए वो कोई भी हथकंडा अपना सकता है।